नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश शार्दुल और मैं आज आपको दिखाऊंगा टीपू सुल्तान सीरियल की शूटिंग लोकेशन जो गांव अमरसर में हुई थी। तो मैं भी आपको दिखा देता हूं पूरी डिटेल से। तो आइए चलते हैं। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं दोस्तों, ये अमृतसर का लिंक रोड है जो हाईवे रोड से 1 किलोमीटर अंदर है। तो मैं जा रहा हूँ शूटिंग लोकेशन पे जहाँ टीवी सीरियल टीपू सुल्तान की शूटिंग हुई थी। तो मैं आगे चल के मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये आगे जो ये आपको पेड़ दिखाई दे रहा है उसी के बगल में आगे टीदे पे एक दरगाह है, उसी की शूटिंग हुई थी टीपू सुल्तान सीरियल की। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो चलते हैं आगे। ये धर्मशाला है साहब जुनेद, और ये डॉक्टरों के क्वार्टर्स हैं जिसमें डॉक्टर रहते हैं। हॉस्पिटल पीछे रह गया दोस्तों, मेन बस स्टैंड पे। हम मैं बस स्टैंड से आगे आया हूँ गांव के बाहर। तो ये सामने ही जो ये टीला मकान के पीछे है उसी पे चल के मैं वो दरगाह आपको दिखाऊंगा जहाँ शूटिंग हुई थी। हाँ देखो, ये जो आपको टीले पे दरगाह दिखाई दे रही है दोस्तों, उसी की शूटिंग हुई थी टीपू सुल्तान की। तो आगे चल के देखते हैं। ये टीवी सीरियल टीपू सुल्तान 1990 में आया था दोस्तों, उस समय बहुत ही पॉपुलर था ये। तो बहुत समय हो गया दोस्तों, फिर भी कोशिश करेंगे मैच करने की। तो एक शूट तो यहाँ हुआ था दोस्तों, मैं अभी सेट करके आपको बताता हूँ। ये हाँ, इसी में थोड़ा सा आगे लेके मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हाँ ऐसे ही कुछ था। देखो अभी स्क्रीन शॉट मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो दोस्तों, ये सीन है, आप मैच कर लो। ये सेम कुछ थोड़ा बहुत फर्क होगा, लेकिन ये देखो ये इसी जगह का सीन है, ये है दोस्तों। और दूसरा सीन यहाँ से शूट किया गया था, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये हाँ, ये देखो दो औरतें दरगाह के अंदर जा रही हैं,
जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। मैं अब दरगाह के अंदर चल के अंदर का सीन जो शूट हुआ था वो दिखाऊंगा आपको। तो मैं अंदर चलता हूँ, ये देखो मैं अंदर आ गया हूँ दोस्तों। और ऐसे ये देखो दो सजदा कर रही हैं, दो औरतें हैं, और ये दूसरा भी यहीं में है, एक और है यहीं का साइड में है ये। हाँ ये देखो एक औरत नीचे बैठ के सजदा कर रही है, ये भी यहीं का, ये अंदर का देख लो दोस्तों। तो ये था हमारे गांव अमृतसर में टीपू सुल्तान की शूटिंग लोकेशन। और हम अब दूसरे स्थान पे चलते हैं। तो ये आगे चलेंगे दोस्तों, अभी मैं जो शूटिंग के शूट दिखा रहा हूँ दोस्तों वो सीरियल के एपिसोड नंबर 8 और 9 में मिलेंगे दोस्तों, देखना। जो रामायण में सीता का रोल किया था वही एक्ट्रेस है दोस्तों यहाँ पे शूटिंग करने वाली हीरोइन, दीपिका, दीपिका चिटलिस पूरा नाम है उसका। तो वो ही यहाँ पे शूट करेगी सीन। तो उस वक्त रामायण की भी खूब चर्चा थी दोस्तों, उस वक्त बहुत ही मेला लग गया था इस शूटिंग को देखने के लिए कि सीता माता आइए, सीता माता आइए, ऐसे बहुत ही औरतों ने। ये देखो दोस्तों उस दरगाह के पास चलेंगे, तो वहाँ जाके मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो उस वक्त दोस्तों बहुत ही लेडीजें ही हो गई थी भीड़ जमा यहाँ पर दीपिका को देखने के लिए कि सीता आइए। तो ये मैं शूटिंग लोकेशन पे आ गया हूँ दोस्तों, इसी जगह पैदल चल के वो दीपिका इस दरगाह पे आती हुई दिखाई देंगी। अभी आपको स्क्रीन शॉट दिखाऊंगा अभी मैं आपको, तो मैं अभी सेट कर लेता हूँ। तो यही है, और ये देखो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। हाँ ये इधर से ही कुछ है अभी, ये थोड़ा सा फर्क आपको दिखेगा दोस्तों। पहले यहाँ एक पेड़ हुआ करता था, वो अभी फिलहाल नहीं है, ये थोड़ा सा फर्क जरूर है, काफ़ी टाइम हो गया है दोस्तों। देखो ये आगे चल के एक पेड़ था यहाँ पे, वो अब नहीं है। तो यहीं से पैदल आती हुई आती हैं दीपिका, इधर से ये, इधर से ये कुछ, ये देखो इसी रास्ते से वो पैदल चढ़ के इस टीले पे इस दरगाह की तरफ ये जाती हुई दिखाई दे रही है। तो अब ये आगे चलता हूँ दोस्तों, अब ये यहाँ से आपको मैं दूसरी लोकेशन दिखाऊंगा शूटिंग की। ये देखो वो दरगाह आपको दिखाई दे रही होगी सामने, यहीं से लिया गया, यहाँ थोड़ा आपको फर्क दिखाई देगा थोड़ा सा, फिर भी मैं आपको मैच करके दिखाऊंगा।
ये इधर से ही लिया गया है, ये अभी तो ये गड्ढा पड़ गया यहाँ पे, तो अभी ये देखो इधर से ही लिया गया था वो सीन। दरगाह, हाँ इस ये देखो ये पैदल चलती हुई आगे दरगाह की तरफ जा रही है। सीन में दरगाह के पीछे का सीन ये आपको दिखाई दे रहा होगा आगे चल के। हाँ ये देखो ये आगे आती हैं। और अब देखो ये अगला सीन जो दरगाह के अंदर प्रवेश करती है दीपिका, तो यहीं का है, यहीं सामने से आती हैं। इधर से ये पैदल आएंगे, आती हुई दिखाई देती हैं ये, और इधर से आगे चल के वो ये देखो यही रास्ता है दोस्तों, आप मैच कर लो। और वो देखो अभी भी वो पत्थर ऐसे ही, वो दीवार दिखाई दे रही होगी आपको, और वो पीछे की दरगाह, और वो खिड़की टाइप वो जाती, उसमें एक आदमी खड़ा साधु टाइप ये। और फिर इससे अगला सीन वो दरगाह के अंदर आती है, वो साधु का सीन दिखाई देंगे अभी। और यहाँ दोस्तों उस साधु का सीन है, वो साधु दीपिका को देखते ही चिल्लाता कि इस ऐसी पाक जगह पर औरत का आगमन, ऐसे ही कुछ डायलॉग बोलता है। तो उसका सीन यहाँ है, तो वो उस दीपिका को दरगाह के अंदर नहीं, ये देखो वो बोल रहा है यहाँ पे कि ऐसी पाक जगह पर औरत का साया नहीं, नहीं ऐसे कुछ चिल्लाता है ये, और आगे दरगाह के अंदर चला जाता है उस दीपिका को रोकने के लिए। तो उधर से फिर वापस दीपिका आती है इस दरगाह में अंदर जाने के लिए। वो दोस्तों दीपिका बच्चे होने के वरदान के लिए आती है इस दरगाह में, तो यहाँ वरदान पाके उसे उसके टीपू सुल्तान का जन्म होता है दोस्तों। तो यहाँ इसी जगह पे वो वरदान प्राप्त करती है, तभी जाके वो टीपू सुल्तान का जन्म होता है। शहबाज खान हैदर अली की भूमिका में है इस सीरियल में। एक लोकेशन यहाँ है दोस्तों, वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती हुई दिखाई देंगे अभी। ये देखो यहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है, वो गेट खोलेंगे, ये साधु ने उन्हें रोक लिया दोस्तों, अंदर नहीं जाने दिया। फिर साधु मंत्र बोल के कहते हैं, जा तेरे अल्लाह ने एक से अधिक पुत्रों का वरदान दे दिया। तो फिर दीपिका खुशी खुशी ये देखो गेट के अंदर से सीन दिया गया है, तो खुशी खुशी दीपिका जाती है। तो दोस्तों ये अंदर का भी सीन था, लेकिन वो दरगाह का गेट बंद था, अंदर से मैं दिखा नहीं पाया। और अब अगला सीन है, यहाँ से इधर से खुशी से दौड़ती हुई आती है दीपिका, तो यहाँ भी साधु उसे रोक लेता है और बोलता है, जा तेरे बड़े पुत्र का नाम टीपू सुल्तान होगा। तो फिर वो यहाँ से खुशी से दौड़ती हुई आगे चली जाती है दीपिका। वो सीन भी देखो मैं भी सेट करके बताता हूँ, यहीं से लिया गया है।
ये हाँ वो खिड़की भी ऐसे ही, ये हाँ दोस्तों ऐसे ही कुछ था वो सीन। देखो ये, देखो ये दौड़ती हुई आती है और वो देखो रुक जा, वो साधु ऐसे बोलता है कि जा तेरे बड़े पुत्र का नाम टीपू सुल्तान होगा। तो वो खुशी से दौड़ती हुई दीपिका यहाँ से चली जाती है। तो ये थी शूटिंग लोकेशन टीपू सुल्तान सीरियल की दोस्तों, कैसी लगी?